नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार हूँ। इस समय कोरोना भारतवर्ष के अलावा पूरे विश्व में एक महामारी के तरह फैला हुआ है, और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, ऐसी महामारी में जो सांस के द्वारा या हवा के द्वारा फैलती है, लोग मास्क का उपयोग करते हैं, और इस समय बाज़ार में मास्क की काफ़ी किल्लत है। लोगों को मास्क नहीं मिल रहा है, और जिनके पास मास्क है भी, वो ये चाहते हैं कि मास्क चेंज करके दूसरा मिले, नया मिले। कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के मास्क की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और सप्लाई करने की जो चेन है वो इस समय थोड़ी कम है, जिसकी वजह से एक और विषय अभी विवेचना में आ रही है कि क्या हम मास्क का दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो ये बात देखिए, जब पहले सार्स और मर्स हुआ था, उस समय भी इस बात पे काफ़ी चर्चा हुई थी कि मास्कों का दोबारा उपयोग किया जा सकता है। विश्व के CDC और WHO जैसे संस्थानों ने मास्क को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए पहले भी अपने रिकमेंडेशन या अनुमति दे रखी है। तो इस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं कि मास्कों को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसकी सही विधि क्या है। तो ये पहले इस बात पर आप ध्यान दें कि मास्क जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके सही तरीके को हमेशा अनुसरण कीजिए, और इस विषय पे मास्क को किससे सही से इस्तेमाल करना है आपको जानकारी अभी तक कई बार मिल चुकी है, लेकिन क्या मास्कों को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी जानकारी का थोड़ा अभाव है, जिसके वजह से हम आज इसी विषय पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, जाहिर सी बात है, जब मास्क का इस्तेमाल होता है तो या तो उसमें कीटाणु आ जाते हैं, या गंदा हो जाता है, या बदबूदार हो जाता है, जिसके वजह से मास्क को दोबारा इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी जाती है। किंतु जब महामारी की स्थिति हो और मास्कों की कमी हो और नए या फ्रेश मास्क उतने संख्या में न उपलब्ध हों, तो ऐसी स्थिति में मास्क का दोबारा इस्तेमाल करने की अनुमति और रिकमेंडेशन दोनों दिया जाता है। तो अब हम इस बात पर बात करने वाले हैं कि मास्क को रीयूज़ करने से पहले या दोबारा इस्तेमाल करने से पहले सबसे प्रथम हमें ये देखना पड़ेगा कि मास्कों की थोड़ी मांग को कैसे कम की जाए। आपने कई बार देखा होगा कि लोग गाड़ी में खुद अकेले ड्राइव कर रहे हैं और साथ में N95 मास्क लगा रखा है। उनको लगता है कि ये मास्क उनका बचाव कर रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब वो गाड़ी के अंदर हैं और कोई दूसरा पेशेंट या सोर्स उस समय नहीं है, तो उनके लिए मास्क का उपयोग करना उस समय उतना उपयोगी नहीं है। कारण ये है कि मास्क लगाने से उनकी सांस भी भारी हो जाती है और उस समय उनको किसी चीज़ से बचाव नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली जो चीज़ हमें ध्यान देनी है कि सही इस्तेमाल करना है। दूसरा ये है कि मास्क सही ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को ज़रूरत है, लेकिन देखे देखे 3-4-5 लोग उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं, इससे उनके मास्क की डिमांड बढ़ जाती है। और तीसरा ये है कि हम मास्कों के अल्टरनेटिव्स पर भी ध्यान दें कि जैसे N95, किसी ने नाम सुना बस उसको N95 चाहिए, P2 और P3 की तो बात ही नहीं करनी है, बस N95 चाहिए, भले ही उनको ये ना पता हो कि N95 का क्या मतलब है। तो इन तीन विषयों के अलावा हमें इस बात पर भी ध्यान करना है कि क्या आपका जो मास्क आपके पास है वही मास्क हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मास्कों को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मुझे ये बताना है आपको कि जब हम मास्क का इस्तेमाल करने वाले हैं दोबारा, तो दो स्थिति है, मास्कों का इस्तेमाल दोबारा अस्पताल के अंदर करना है या मास्कों का इस्तेमाल
अपने इंडिविजुअल लेवल पे या व्यक्तिगत रूप से करना है। तो एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब भी हम मास्क का दोबारा इस्तेमाल करने वाले हैं तो मास्क का इस्तेमाल केवल वही व्यक्ति करे जिसने उस मास्क को पहले पहना है। कहने का मतलब है कि मेरे द्वारा इस्तेमाल किया गया मास्क दूसरे व्यक्ति को नहीं यूज़ करना है। और दूसरी बात ये कि मैं खुद का पहना हुआ मास्क खुद से इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसके बारे में अब आप निर्देश सुनिए। सबसे पहले ये कि मेरा खुद का यूज़ किया हुआ मास्क को मैं एक तो एक्सटेंडेड यूज़ यानी अवधि बढ़ा करके यूज़ कर सकता हूँ। सपोज़ कीजिए कि मुझे 4 घंटे में मास्क बदलने का मन कर रहा है लेकिन मैं उस मास्क को 6 घंटे या 8 घंटे पहनता हूँ, तो ये होता है एक्सटेंडेड यूज़, अवधि बढ़ाना। दूसरा ये होता है कि मास्क को रीयूज़ करना। सपोज़ कीजिए आज हमने एक मास्क पहना है, वो मास्क हमें कल नहीं पहनना चाहिए, लेकिन महामारी के समय जब मास्कों की कमी है तो हम उसको अगले दिन भी पहनते हैं, इसको रीयूज़ कहते हैं। तो अब इस बात पर यह है कि एक्सटेंडेड यूज़ एंड रीयूज़ मास्क की जा सकती है, और इसके लिए हम आपको बिल्कुल निश्चिंत और संदर्भ के साथ ये बताना चाहते हैं कि ये संभव है। अब हम आपको ये विधि बता रहे हैं कि अगर आपका मास्क यूज़ किया हुआ है और आप उसको दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको कीटाणु रहित कैसे करें, और अगर कीटाणु रहित या स्टरलाइजेशन की आवश्यकता ना हो तो उसे हम साफ़ कैसे करें या डिकंटामिनेट कैसे करें। तो देखिए, इस बात का ध्यान रखें कि अगर अस्पताल के कर्मचारी हों, अस्पताल के डॉक्टर हों या ऐसे जगह पे हों जहां विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं का संक्रमण होने की संभावना हो, तो ऐसे में उचित ये हो कि आप उसको स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए भेजें। तो उसके लिए हमारे पास अस्पतालों में 2 या 3 मुख्य विधि है जिससे हम इसका कीटाणु रहित करना या स्टरलाइज करना कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी मेथड जैसे ऑटोक्लेव करना, हीट लगाना या माइक्रोवेव करना जिससे मास्क की गुणवत्ता ख़राब होती है या मास्क कट फट जाते हैं, तो उससे उसको इस्तेमाल करने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। 2-3 तरीके ऐसे हैं जिससे मास्क ना तो ज़्यादा डैमेज होता है और ना ही उसकी गुणवत्ता में कोई कमी आती है। जैसे कि एक है अल्ट्रावायलेट विकिरण द्वारा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अगर आप उसको एक्सपोज करते हैं तो 1/2 घंटे से 1 घंटे में उसकी कीटाणु रहित होने की पूरी अच्छी क्वालिटी मिलती है। दूसरा ये होता है कि ETO करवा लें अस्पताल के कर्मचारियों के लिए, उनका मास्क उनको ETO करवा सकते हैं। और तीसरा है H2O2 वेपर, हाइड्रोजन परऑक्साइड का वेपर से उसको एक्सपोज किया जाए। अब बात यह है कि जब अस्पताल में 20, 25, 50 या 100 कर्मचारी हों तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उनका ही मास्क उनको वापस मिलेगा। तो इसके लिए भी एक विधि बनाई गई है, या तो मास्क के पीछे परमानेंट मार्कर से आप उनकी एम्प्लॉयमेंट ID या उनका नाम लिख सकते हैं, और जब वो ETO करके या स्टरलाइज करके वापस आता है तो उसी व्यक्ति को दोबारा मिल जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को 2 मास्क इशू किया जाए और 1 मास्क ETO के लिए चला जाए, और जब मैं ड्यूटी पे हूँ तो 1 मास्क मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब मैं अगली ड्यूटी पे आऊँगा तो मुझे आज क्या किया हुआ मास्क जो है वापस ETO करके मिल जाएगा और जो ETO करके वापस आया है वो मैं पहन लूँगा। तो इस तरह से 2 मास्क से ही हम पूरा महीना भी काम चला सकते हैं, जबकि होता ऐसा है कि 1 मास्क इस्तेमाल किया, 2 घंटे के बाद हमने मास्क फेंक दिया, फिर दूसरी मास्क की डिमांड की, तो इस तरह से करते करते मास्क की डिमांड बढ़ जाती है, उतनी मास्क की सप्लाई नहीं होती है, फिर बोलते हैं मास्क नहीं है इसलिए इन्फेक्शन फैल रहा है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक सावधानी रख सकते हैं। दूसरा ये निर्देश उन व्यक्तियों के लिए है जो या तो घर में अपना ही मास्क दोबारा इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम मास्क को वॉश कर सकते हैं, डिकन्टामिनेट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, मैं बताता हूँ कि ये डिकन्टामिनेशन प्रोसेस मास्क का कैसे कर सकते हैं और घर में ईजिली इसको कैसे किया जा सकता है बिना किसी कठिनाई के। इस्तेमाल किए हुए मास्कों को दोबारा इस्तेमाल करने के पहले आप उसकी गुणवत्ता भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप थोड़ा सा पानी लें और उस मास्क पर डाल के देखें। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे पानी डाला है और ये मास्क में सोख नहीं रहा है। अच्छे क्वालिटी के मास्क के लिए ये ज़रूरी है कि ये हाइड्रोफोबिक हो, हाइग्रोस्कोपिक ना हो, और इसमें ये पानी जो है वो एब्जॉर्ब ना हो।
तो ये चेक करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि ये मास्क अच्छी क्वालिटी का है। इसके अलावा कई और पैमानों पर भी मास्कों का निरीक्षण किया जाता है, जैसे ये 2 प्लाई है, 3 प्लाई है, या इसके अलावा इसकी बैक्टीरियल फिल्टर कैपेसिटी कितनी है, इसमें आग लगाने लगती है या नहीं लगती है, वो सब पैमाने हैं और वो एक अलग विषय है। इस समय हम मास्क को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए वॉश करने की विधि बता रहे हैं। इसके लिए आप कोई भी ऐसा कंटेनर जो घर में उपलब्ध है और जो वाटर टाइट हो उसको ले सकते हैं। केटल में पानी गर्म करके थोड़ी देर रुक जाएं, क्योंकि पानी बहुत गर्म होगा तो ये मास्क डैमेज हो सकता है। तो इसमें अभी हमने गर्म पानी लिया है और इसमें ये पानी हमने इसमें डाला है, और इसके साथ साथ इसके इसमें हमें 2 बूंद ये लिक्विड सोप है, चाहे तो आप इसमें हल्का 1 या 2 ड्रॉप ब्लीच का भी डाल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप 2 बूंद इसमें साबुन के डाल दीजिए, और या कोई शैम्पू है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई लिक्विड सोप है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको डुबाने के बाद इसको आप इसमें बंद कर दीजिए, और उसके बाद इसको ऐसे 10 मिनट तक रहने दीजिए। जब ये अंदर पानी के साथ रहेगा तो इसमें जो भी गंदगी है वो इसके साथ धुल जाएगी। फिर आप इसको चेक करेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा, और फिर इसके बाद इस पानी को आपको निकाल करके बाहर फेंकना है और 2-3 बार रिंज करना है, इसको दोबारा वॉश करके। और फिर इसको मास्क को इस तरह से किसी खुले जगह पे आप इसको हैंग कर देंगे। तो इस तरह से ये फिर अगले दिन ये इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा। और फिर जब भी आप किसी मास्क का दोबारा इस्तेमाल करें तो उनको इस्तेमाल करने से पहले ये चेक करें कि कहीं मास्क में कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है, कहीं कोई कटा फटा तो नहीं है, इसकी मास्क फिट, नोज़ क्लिप और ये जो फोम वगैरह है इसकी गुणवत्ता पूरी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बार बार यूज़ होने से इसका कोई क्वालिटी में कमी आई हो। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप एक छोटे परमानेंट मार्कर से एक स्ट्रैप्स लगा सकते हैं कि ये कितनी बार आपने वॉश किया है। इससे आपको एक अंदाज हो जाएगा कि ये मास्क इतनी बार इस्तेमाल हो चुका है, और अमूमन तौर पे एक पार्टिकुलर ब्रांड का मास्क कितनी बार इस्तेमाल करने के लायक रहता है। हमारा एक और सवाल है कि आपने जो मास्क धोने की विधि बताई वो तो ठीक है, परंतु मास्क धोने के बाद वो उतना ही एफिशिएंट है, काम कर रहा है, बैक्टीरिया वायरस को फिल्टर कर रहा है कि नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी हम कोई ऐसी चीज़ को इस्तेमाल में लाते हैं जिसमें सिंगल यूज़ का लेवल हो या लिमिटेड यूज़ का लेवल हो, तो वैसे में ये बिल्कुल ही जेन्युइन क्वेश्चन है, एकदम वाजिब बात है कि ऐसी चीज़ को इस्तेमाल दोबारा करने से पहले इस प्रश्न का बिल्कुल उत्तर समझना चाहिए। देखिए, ये जो मास्क है ये वोवन फैब्रिक नहीं है, ये एक हॉट ब्लोइंग प्रोसेस से बनता है, और इसकी प्लाई थिकनेस इतनी रखी जाती है कि ये 0.007 या 0.3 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल को फिल्टर कर दे। जैसा कि आपको मैंने पहले दिखाया, जब भी हम इस पे पानी डालते हैं तो पानी ये एक जगह से दूसरी जगह, मतलब अगर हमने इधर पानी डाला है तो दूसरी तरफ पानी नहीं जाता है। कहने का मतलब ये है कि पानी अगर हम इसमें धो रहे हैं तो इसके ऊपर के जो भी गर्द है या बैक्टीरिया वायरस या डस्ट पार्टिकल है उसको तो साफ करेगा, लेकिन किसी भी समय इसके दूसरी तरफ यही पानी नहीं जाएगा। तो अगर ये वोवन फैब्रिक होता और मतलब वो पानी को सोखता, तब तो ऐसे कंडीशन में हम ये मान सकते थे कि ये पानी के आने जाने से इसके पोर के साइज छोटे से बड़े हो जाएं और वो उतना रोधक क्षमता ना दे। लेकिन क्योंकि ये सब्सटेंस का मटेरियल ही ऐसा है कि इसमें
पानी लगने से इसके डैमेज होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए हम ये मान के चल सकते हैं, बल्कि ये प्रूवन है साइंटिफिकली और कई हॉस्पिटल्स ने और लेबोरेटरी ने ये करके दिखाया है कि पानी में डालने से इसके फैब्रिक्स डैमेज नहीं होते हैं, ये सब्सटेंस जो है मटेरियल जो है ये डैमेज नहीं होता है, और इसको साफ करने के बाद इसकी गुणवत्ता उतनी ही रहती है। हाँ, ये जरूर देखें कि इसकी जो डैमेज है या जो कंडीशन है अगर धोने से पहले ही खराब हो तो फिर आप इसको दोबारा इस्तेमाल करने के लिए धोने की प्रक्रिया में ही न डालें। जैसे अब ये मास्क है फॉर एग्जांपल, ये मास्क देखने में बिल्कुल ठीक है, ये एक दिन इस्तेमाल किया गया है और इसको हम धोने के प्रोसेस में डिकंटामिनेशन के प्रोसेस में डाल सकते हैं, लेकिन जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है, कीटाणु रहित करने का प्रोसेस है, उसमें जो हीट वाले प्रोसेस हैं जैसे माइक्रोवेव है, बॉइलिंग वाटर है, या जैसे ऑटोक्लेव करने की अगर प्रक्रिया है, तो वैसी प्रक्रिया में इसको डालने से इसके हीट से डैमेज होने की संभावना बिल्कुल है और उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर पूजा हूँ, मैं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। उम्मीद है डॉक्टर प्रशांत ने आपको अभी जो इन्फॉर्मेशन दी है मास्क के रीयूज़ और रिसाइकलिंग के बारे में वो आपके काम आएगी। इस समय एक और सवाल है मेरा कि एक तरफ हमारे पास मास्क की शॉर्टेज है और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे मास्क खरीद के रखे हुए हैं जो उनके शायद यूज़ के भी नहीं हैं। मेडिकल फ्रेटर्निटी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, उनके पास मास्क की शॉर्टेज है, पीपीई की शॉर्टेज है, तो अगर इस समय आप में से किसी के पास भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स हों, मास्क हों, पीपीई हों, तो आप अपने इस्तेमाल का रख कर जो भी एक्स्ट्रा है उसको पास के नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में बेच दीजिए या डोनेट कर दीजिए। इस समय इससे ज़्यादा अच्छा मानवता के लिए कार्य कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको मेरी बात ठीक लगेगी और इससे हम सभी को फायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए जानकारी भरा होगा। अगर आपको इस संबंध में कोई कमेंट, शिकायत या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे लगता है इस समय मास्क की जितनी कमी है, ये मेथड से हम मास्क की कमी को भी पूरा कर सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। साथ ही मास्क का दोबारा इस्तेमाल करने से ये एक बहुत ही अच्छा विषय होगा और हो सकता है कि कुछ लोगों की मास्क की कमी इसी विधि से पूरी हो जाए। धन्यवाद।